नई सरकार के सत्ता में आने के बाद से आज दिन तक पूर्व सैनिक निगम के चेयरमैन के पद पर किसी की भी ताजपोशी नहीं किए जाने पर पूर्व सैनिक ट्रक ऑपरेटर बिफरे हुए हैं। इसी के चलते पूर्व सैनिक ट्रक ऑपरेटर्स संघ के चेयरमैन पद को नहीं भरे जाने पर आज दिन भर धरना दिया गया और मांगे नहीं माने जाने की सूरत में प्रदेश स्तरीय करने की चेतावनी दी। इस अवसर पर संघ प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र कुमार अवस्थी, कैप्टन राजेश बाबू फिलूराम के अलावा दर्जनों पूर्व सैनिक धरने पर बैठे रहे। बता दें कि पूर्व सैनिक ट्रक ऑपरेटर संघ को चेयरमैन न होने के चलते काम प्रभावित हो रहा है और साल में होने वाली चारों बैठकें भी नहीं हो पा रही हैं, जिससे ऑपरेटरों की समस्या जस की तस बनी हुई है। वही ऑपरेटरों का आरोप है कि ACC बरमाना में भी मनमानी चल रही है, तो हिमाचल व पंजाब में ACC के डंपों पर वाहनों को समय पर खाली नहीं किया जा रहा है और मजदूर भी ट्रक खाली करने के मनमाने दाम लगाते हैं। साथ ही पूर्व सैनिक ट्रक ऑपरेटर के 5 वर्षीय चुनाव भी प्रस्तावित हैं, लेकिन चेयरमैन न होने से वह भी नहीं हो पा रहे हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र कुमार अवस्थी ने कहा कि अभी तो फिलहाल ट्रक ऑपरेटरों ने सांकेतिक धरना दिया है, लेकिन सरकार फिर भी ना मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। उन्होंने कहा कि बार बार सरकार के साथ बातचीत की गई है, लेकिन फिर भी ट्रक ऑपरेटरों की मांग को पूरा नहीं किया गया है, जिस कारण मजबूरन आज सड़क पर बैठ कर धरना दिया जा रहा है। मुख्य मांगे हमारी, हम हिमाचल प्रदेश एक्स हसमैन ट्रक ऑपरेटर जो यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, उनका कहना यह है कि हर 5 साल के बाद सरकार बदली होती है, सरकारें आती हैं जाती हैं। जब सरकार बदली होती है तो प्रशासन में ही फेरबदल होता है, लेकिन इस वर्तमान सरकार ने 9 महीने से चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर के पद को भरने की कोशिश नहीं की, जिसके कारण तमाम दूर दराज से आने वाले ऑपरेटर शिमला, चंबा, पालमपुर, धर्मशाला, वो यहाँ आते हैं, अपना समय और पैसे की बर्बादी करके उनको खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। हमारी सरकार से मांग है कि इस पद को जल्द से जल्द भरा जाए। अगर उन्होंने इस पद को जल्दी से भरने की को नहीं भरा तो अगली रणनीति जो हम प्रदेश भर के अंदर इस आंदोलन को चलाएंगे। अच्छा, ये जो पद है इसकी वजह से कितना काम फैक्टर हो रहा है? इसकी वजह से हमारे साथ कम से 3,000 परिवार डायरेक्ट जुड़े हुए हैं इस संस्था के साथ, 3,000 परिवार जिनका डायरेक्ट इस संस्था से संबंध है। तो हमारी जो है मीटिंग CMD साहब के साथ साल में 4 दफा प्रस्तावित है, 4 दफा, लेकिन 7 दिसंबर 2017 के बाद आज दिन तक CMD ना होने की वजह से हमारी कोई मीटिंग जो है वो नहीं हो सकी, और जिस वजह से ऑपरेटरों की समस्याओं का कोई समाधान भी नहीं हो सका। मुख्यतः क्या समस्या है? मुख्यतः हमारी समस्या यही है कि जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं उनके काम नहीं होने से अपने समय और पैसे की बर्बादी करके वो उनको वापस जाना पड़ता है। दूसरी समस्या हमारी ये है, ACC बरमाना में ACC जो फैक्ट्री है वो जानबूझकर NH के ऊपर जाम लगवाती है, और जाम लगने से हमें पुलिस के इसका शिकार होना पड़ता है। तो ये पहली मांग है, अगर हम अपनी मांग किस रखें तो किसके आगे रखें। दूसरे, पंजाब के अंदर जितनी हमारी गाड़ियां सीमेंट लेके जाती हैं उन गाड़ियों को गाड़ी लोड करने के लिए समय निश्चित है, पंजाब में डंप के ऊपर पहुंचने के लिए समय निश्चित किया गया है, लेकिन गाड़ी को खाली करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं हुआ। वहां पर 4-4 दिन तक गाड़ियों को खड़ा रखा जाता है और उनको धमकाया जाता है कि आप यहां से 40-50 किलोमीटर आगे गाड़ियां लेकर जाइए, वहां खाली करो, और उसके लिए जो अतिरिक्त किराया है वो भी डंप वाले मनमाने ढंग से देते हैं। अभी आपकी सरकार से ये बात तक कम्युनिकेशन, हम जब इस सरकार का गठन हुआ था मेरा एक प्रतिनिधिमंडल 70-80 आदमी प्रतिनिधिमंडल शिमला में CM साहब से मिला और उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि इस पोस्ट को जल्द से जल्द भरा जाए। उसके बाद समाचार पत्रों के माध्यम से भी हमने उनको ये सब बताने की कोशिश की, लेकिन आज दिन तक सरकार के ऊपर हमारा कोई असर नहीं हुआ, इस कारण हमें सड़कों पे उतरना पड़ा। अभी तो आप कंटिन्यू हड़ताल है हमारी, 11 बजे से लेकर हम 3 बजे तक यहाँ पे बैठेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं जागी तो इसको हम प्रदेश स्तर के ऊपर इस जो है प्रदर्शन को जारी रखें करेंगे। उसकी अगली रणनीति हम बाद में मीटिंग तय करेंगे, बनाई जाएगी कैसे उसको करना हमने।